गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम अब वापस यहाँ मुंगेर से निकलने वाले हैं और यहाँ से अभी हमें वापस बोकारो स्टील सिटी जाना है, जो कि 280 किलोमीटर प्लस है। ये देख सकते हो आप, हमारी बाइक ऐसे कवर्ड अप है। अभी इसको हटाना है, सारे बैग्स बांधने हैं और मेरी वाइफ अनलॉक कर रही है बाइक। यहाँ चेन से लॉक किया गया था, तो वो मिलते हैं। सारे बैग्स वगैरह इसको अभी पैक करने के बाद, हमारा पूरा बैग पैकअप हो चुका है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हो सकता है हम वापस से अपने झाझा वाले रिलेटिव के पास कुछ देर रेस्ट कर ले। ये देखो रोड्स, अभी 7:38 हो रहा है और रोड्स बहुत बुरा तो नहीं दिख रहा। आई मीन टू से कि रोड इज़ ओके, क्राउडेड नहीं है। लोग रात में दिवाली एंजॉय करके थोड़ा आज लेट तक सो रहे होंगे, शायद ये एक रीज़न है कि इतने छोटे जगह पे इतनी सुबह सुबह भीड़ नहीं हुई है, वरना 6:30, 6:30 बजे तक तो ऐसे छोटे जगहों पे नॉर्मली भीड़ हो जाती है। गाइस, प्लान था आज सुबह 4 बजे निकलने का, बट हम इतने टायर्ड थे कि क्या बोले, कुछ सोते रह गए। सुबह 5:30 के अराउंड उठे हैं और फिर पैकिंग वैकिंग करते हुए 1 घंटा और लग गया। और चूँकि घर से निकल रहे थे तो बिना ब्रेकफास्ट का निकलना अलाउड भी नहीं था, तो वी हैड लवली ब्रेकफास्ट। आंटी ने बहुत प्यारा ब्रेकफास्ट खिलाया और इतना खिलाया हमें 2 दिनों में कि हालत बुरी है खा खा कर। ये मुंगेर थाना है क्या? जिला मुंगेर थाना है ये, आप देख सकते हो मुंगेर थाना है लेफ्ट हैंड में हमारे। और रात में जब हम घूम रहे थे तो ये रोड्स और ये जो दीवारें हैं ये सारी चीज़ें दिख नहीं रही थी। बेसिकली मुंगेर इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस, तो यहाँ पे बहुत सारी पुरानी इमारतें मिलेगी हमें, मिलती है यहाँ पर। और उन्हीं पुराने इमारतों को बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया गया है, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस। हमारा प्लान तो था कि सुबह सुबह घाट घूमते हुए जाए, बट क्योंकि लेट हमने पहले ही कर दिया है तो घाट नहीं जा रहे और हम निकल पड़े हैं। हम अभी मेन रोड पर आ गए हैं, आप देख सकते हो सामने पटना 182 किलोमीटर, लखीसराय इज 54 किलोमीटर, भागलपुर इज 56 किलोमीटर एंड सतलजगंज इज टुवर्ड्स लेफ्ट 31 किलोमीटर। बट हमें इन चारों में से किसी जगह नहीं जाना है। तो इट वॉज जस्ट ऑन द वे रिटर्न ओवर देयर, सो आपके साथ मैंने ये शेयर किया। एंड बनौधा नाम का ये जगह है, जगह का नाम बनौधा है। अब यार हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो गाइस ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बस ये पहाड़ के बीचों बीच घुस जाएंगे, देखकर ऐसा ही फील हो रहा है। आगे से हमें 300 मीटर्स पर लेफ्ट मुड़ना है। अब इधर देखो मंदार हिल 100 किलोमीटर पे है। मंदार हिल घूमने चल चले क्या? रुको पूछता हूँ अपनी वाइफ से, व्हाट्स हर प्लान, मंदार हिल चलना चाहिए क्या हमें? जाने से मना कर दिया गया है, एज माई वाइफ हैज़ ऑलरेडी बीन देयर एंड से सेइंग कि अभी जाकर कोई मतलब नहीं है, उसके लिए बोरिंग हो जाएगा। इट वुड हैव अ न्यू एक्सपीरियंस, अ न्यू एक्सपोजर फॉर मी, बट ठीक है यार, कभी और अगर सस्ते में आएंगे तो देख लेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहो और हम आपको मुंगेर से बोकारो लेकर चलते हैं, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हुए, फुल टू मस्ती के साथ, एंजॉयमेंट के साथ, क्योंकि लाइफ इज़ समथिंग व्हाट यू नीड टू एंजॉय। बोरिंग लाइफ जी के क्या ही जीना है यार। आई हैव शेयर्ड रील ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम रिसेंटली, यू वुड हैव सीन, इट सेज कि जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसकी हस्ती ज़िंदा है, वरना बस वो ज़िंदा है।
and I really meant it, the lines. It actually touched something inside me, and so I used it in a reel. It was not just ki trending koi dialogue hai, koi music hai jisko maine use kiya. Normally main aisa karta nahi hu. Whatever I feel, usi चीज़ों को मैं सेलेक्ट करके शेयर करता हूँ. एंड गाइस, आप देख सकते हो बिहार के इन रास्तों पे गाड़ी चलाना इज़ नॉट वेरी इजी. रोड्स बहुत नैरो होते हैं यहाँ पे, और ट्रक्स की जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है. आई डोंट नो क्यों, सारा कुछ बिहार से ही जाता है या बिहार को ही आता है, क्या है आई डोंट नो. जब हम आ रहे थे इधर तब भी यार बहुत क्राउडेड थी ये रोड, एंड यू वोंट बिलीव पूरे रास्ते में भर भर के हमें ट्रक मिले थे. अभी मॉर्निंग का अराउंड 7:45 हो रहा है, तो होपफुली अभी कुछ कम ट्रक्स मिलने की. देवगढ़ इज़ 127 किलोमीटर्स यार यहाँ से, एंड बट ऐसा नहीं है. आप देख रहे हो कि ट्रक्स दिख ही रहे हैं, कम मात्रा में दिख रहे हैं बट दिख रहे हैं. और गाइस, हम जहाँ भी गए मुंगेर में, एवरीवन वाज लाइक यार बिकॉज ऑफ यू आज हमारे गलियों में BMW की बाइक एंटर कर गई. इट वाज लाइक टू मच फॉर अस, एंड बहुत इज्जत मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिला. कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, लोग भी बहुत हेल्पिंग थे. यहाँ भी कुछ पूछने के लिए हम रुके, everyone helped us, they came and they helped us. ऐसा नहीं, कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं भी लोग हमें तंग नहीं किया. जैसे कि लोगों ने हमें पहले बताया था कि जगह अच्छा नहीं है, प्लेस अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं है यार. बिहार के लोग हैं वो भी तो इंसान ही है, इट्स जस्ट कि हाउ यू डील विद देम. मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दे ऑल वेयर वेरी हेल्पफुल फॉर मी. नाइस एक्सपीरियंस इन बिहार टू. तो कभी दोबारा अगर मेरे को कोई बिहार आने को बोलेगा तो आई वोंट स्टेप बिहाइंड कि हाँ यार बिहार है तो मैं नहीं जाऊंगा. क्योंकि यार लाइफ एक ही में ली है, अलग अलग जगहों को, अलग अलग लोगों को एक्सप्लोर करो, यू विल फील गुड अबाउट इट. आज मुझे सर्दी हो रखी है, आप देख सकते हो, जिसके कारण थोड़ी सी मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही है. बट आई नो यू गाइज विल मैनेज विद इट. इससे भी बोरिंग कॉन्वर्सेशंस रही है मेरे पुराने ब्लॉग्स में. आई नो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ. आप लोगों के सजेशन का हेल्प लेके मैं जो भी आपके सजेशंस है उसको मैं इनपुट करने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में, और मैं लगातार कंटिन्यूसली इसको कोशिश करता रहूँगा कि जो भी वीडियोज़ हम इन फ्यूचर शेयर करें आपके साथ उसमें इम्प्रूवमेंट आपके सजेशंस के अकॉर्डिंगली होते रहे. बिकॉज एट द एंड वीडियो आपको पसंद आना चाहिए. फॉर अस इट्स लाइक सेविंग आवर मेमोरी, आवर एक्सप्लोरेशन. यार कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ. मैं पहले इनिशियली ब्लॉग्स में बोल नहीं पाता था लाइव, दो रीजंस थे. एक तो आई डिडंट हैड माइक्रोफोन इनसाइड माय हेलमेट, तो मैं अगर बोलने का ट्राई भी करता था तो कैमरा का जो माइक है वो बाहर था, और उसके कारण जो एयर की जो साउंड है उसमें वो सप्रेस हो जाती थी और आवाज़ क्लियर नहीं आती थी. एंड उससे भी बड़ी चीज़ ये है जो कि रियल रीज़न है कि आई एम अंडर डेंटल ट्रीटमेंट एंड मेरे दांतों पे ब्रेसेस लगे हुए हैं, और ये जो मेरी हेलमेट है BMW की इज़ वेरी टाइट, एंड ये दोनों साइड से मेरे जॉस को एकदम ऐसे पकड़ के रखती है. एंड यार मैं क्या बताऊँ अपनी फीलिंग को कि वो इतनी ज़ोर से पकड़ के रखती है कि मेरे जो ब्रेसेस लगे हुए हैं वो पूरे मेरे अंदर के स्किन में रगड़ खाती है बोलने में. बट धीरे धीरे आदत हो गई है अब तो. अब मैं हेलमेट के अंदर माइक भी इंस्टॉल कर लिया हूँ और मैं आपके साथ लाइव ब्लॉगिंग करने का कोशिश कर रहा हूँ. बहुत लोगों ने मुझे ये बात सजेस्ट किया कि आप जो भी बातें करो अपने ब्लॉग्स में वो लाइव रिकॉर्ड करो, तो आई एम ट्राइंग टू डू इट.
और इसमें जो इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी आप प्लीज़ मुझे वो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इट विल हेल्प अस अ लॉट टू मेक योर एक्सपीरियंस इन आवर वीडियोस बेटर। गाइस आप हमारे साथ आगे तक बने रहो, हम आपको आगे का अपना जर्नी इस वीडियो में शेयर करते हैं कि कैसे हम बोकारो पहुंचेंगे। और बोकारो पहुंचने के बाद आज हमारा प्लान है अपने घर पे रीसेलिब्रेट करना दिवाली को, क्योंकि पटाखे तो हमने पहले ही ख़रीद लिए थे और प्लान हमारा कल का था जाने का, बट इन लॉज के कहने पे हम एक दिन एक्स्ट्रा रुक गए। दिवाली पे हमें वापस घर पहुंचना था, बट ठीक है यार, दे आर ऑल्सो फैमिली, तो उनकी बातों की इज्जत करने के कारण इज्जत करनी थी एंड इज्जत करते हुए हम एक्स्ट्रा रुक गए एक दिन। एंड दीपावली जो घर पे सेलिब्रेट करना था वो हम आज फिर से रीसेलिब्रेट कर लेंगे, हमारे लिए इससे दो दो दिवाली हो जाएगी तो मज़ा आएगा। आज रात में घर पहुंचने के बाद थोड़े टायर्ड रहेंगे, बट यार घर पहुंचने की खुशी जो होती है वो टायर्डनेस को कहीं और ही ठेल देती है, आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स को। और मैं क्या बताऊँ, अच्छे रोड्स का वेट कर रहा हूँ जो कि आई थिंक 80-90 किलोमीटर्स के बाद ही हमें मिलने वाली है, उससे पहले तो मिलने वाली नहीं है। तब तक इसी रास्ते पे आप हमारे साथ बने रहो। कैन यू सी द ब्यूटीफुल व्यू हियर, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और हम पहाड़ों से घिरे हुए हैं। इनफैक्ट दिस इज नवादा, सम नवादा रोड, दिस इज स्टेट हाईवे 72। रोड्स पहले से तो जो उधर मिल रहे थे उससे बेटर है इधर, तो इधर की राइड जो है ज़्यादा स्मूथ है, बम्पी नहीं है। बम्पी होने के कारण हमारे बम्प्स में भी पेन हो जाता है यार, दिस इज द रियलिटी। ये क्या है पता नहीं यार, बारिश की पानी जमा है या कुछ और है, बट जो भी है दोनों साइड फुल ऑफ वाटर एंड बीच में ये रोड निकला हुआ है। तो गाइस चलो चलते हैं पहले हम झाझा की तरफ और फिर वहाँ डिसाइड करेंगे कि रुकना है या स्ट्रेट बोकारो स्टील सिटी के लिए निकल जाना है। बाद हमें ये खाली रास्ते मिले यार, इतना ट्रैफिक में राइड करते करते हालत बुरा था यार। गाइस ये सारे जो पेड़ है ये कुछ अलग से दिख रहे हैं, हाइट्स ज़्यादा नहीं है, छोटी पेड़ है बट अलग सा स्ट्रक्चर है यार। नेविगेशन का क्या इशू हो गया, रुकना पड़ जाएगा हमें, क्या दिक्कत हुआ। लगता है कि BMW का कनेक्ट ऐप बंद हो गया है। करेक्ट मोटरसाइकिल सिस्टम सेटिंग कनेक्शन, फ़ोन भी कनेक्टेड है डूड, पता नहीं अचानक से क्या प्रॉब्लम हो गई है। एक बार बंद करके ऑन करते हैं। झाझा इज 14 किलोमीटर्स अवे, 21 मिनट्स इज द डिस्टेंस। चलो यार नेविगेशन ऑन हो गया, ओके। वीडियो जो हम अपलोड कर रहे थे उसकी क्या हालत है, 60% अपलोड हुई है, ओके ठीक है। तो चलते हैं हम झाझा की तरफ और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ है, थक गया है? No. नहीं ना, ओके ओके। अच्छा चलते हैं आगे के तरफ, बैठ जाओ हम। और वाइफ का डिमांड है 100 के नीचे नहीं चलाना है।
बट यार रास्ता भी तो होना चाहिए वैसा। कोई नहीं, कुछ किलोमीटर्स की बात है, फिर रास्ते अच्छे हो जाएंगे और हम आराम से जा पाएंगे। एक फ़ायदा है क्विक शिफ्टर्स होने के, ये थोड़ा कम टायरिंग होता है, क्लच बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता है गियर चेंज करने के लिए। यार ऐसे अननोन रोड्स पे, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मन नहीं करता है ऐसे जगहों पे आने के बाद फिर कहीं वापस जाने का। मन करता है बस चलते जाए चलते जाए चलते जाए इन रास्तों पे, और ये रास्ते कभी ख़त्म ना हो, खास करके तब जब रोड्स खाली हो और रोड्स पे ट्रैफिक ना हो तो राइड की ज़्यादा फील आ पाती है। ट्रैफिक आने पर थोड़ा टायरिंग हो जाता है राइड। पेट्रोल पंप इधर नहीं मिलेगा क्योंकि आप देख सकते हो इधर लोकल में पेट्रोल सेल कर रहे हैं लोग, दैट मीन्स कि पेट्रोल पंप्स की प्रोविज़न नहीं है इधर। और हमने मुंगेर में पेट्रोल लिया था तो लाइक वी हैव 100 मोर किलोमीटर्स ऑफ रेंज, मोर देन 100 किलोमीटर, 120 के अप्रॉक्स आगे जाके पेट्रोल पंप मिल जाएगी। हम आगे कहीं फिल अप करा लेंगे अपनी टैंक को। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं झाझा की तरफ। सो गाइज, ही इज़ मिस्टर कासिफ एंड इन्हें हमारी बाइक बहुत पसंद आई है। सो कासिफ जी अभी हमें सब्सक्राइब भी कर रहे हैं हमारे पेज पे यूट्यूब पे, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी अबाउट दैट वी आर ट्रैवलिंग इन दिस रोड एंड वी मेट हिम। एक्चुअली क्या है कि ये रेलवे क्रॉसिंग है एंड अभी आप देख रहे हो ट्रेन के कारण ये पोस्ट गिरी हुई थी, तो वी जस्ट स्टॉप्ड हियर एंड इन्होंने हमें देखा तो ही जस्ट केम अस टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अस। मज़ा आया इनसे मिलकर। वहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर आगे ये हमने लेफ्ट हैंड लिया था और लेफ्ट हैंड लेते ही हम झाझा एंटर कर गए। वी हैड अ बोर्ड देयर, आपका स्वागत है झाझा में, एज हर जगह वो बोर्ड्स मिलते हैं आपके, आपको वैसे ही वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था। सो आई केम टू न्यू कि झाझा में एंट्री हो गई है हमारी, और आप देख सकते हो ट्रक वाली जो प्रॉब्लम है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। वो जब हम झाझा के बाहर निकलेंगे फ्यू किलोमीटर्स अहेड, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, उससे पहले तो होगी नहीं। ये देखो गाइस, 9 बजने वाला है, 7:15 के आसपास, 9 बज चुका है एक्चुअली, 9:12 हो रहा है। 7:15 के अप्रॉक्स हम निकले थे मुंगेर से, 2 घंटे की जर्नी हो गई है, तो थके नहीं है अभी, वी आर नॉट टायर्ड, बट रेस्ट ले लेने से क्या है कि एग्जर्शन नहीं होगी तो जल्दी थकेंगे नहीं। दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप 100 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स में थोड़ा रेस्ट कर लो, वो आपको एग्जर्ट होने नहीं देती है, एनर्जी जो है वो बचा के रखती है। तो वी विल डू द सेम, एंड बस वही एक रीज़न है कि हम यहाँ पे रुकेंगे। एक और रीज़न था कि जब हम परसों यहाँ आए थे जाते वक्त मुंगेर की तरफ, तो मेरे रिलेटिव्स में वन ऑफ माय कज़न वाज नॉट अवेलेबल, ही वेंट टू हिज इन लॉज प्लेस, तो वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, एंड ही सेड कि रिटर्निंग के वक्त मिल के ही जाना। तो उनकी बातों की भी इज्जत रखने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। इज़ SH-18 और 5 किलोमीटर्स और टोटल बची हुई है। गाइस यार ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है ये रास्ता पता नहीं, रोड्स ख़त्म हो गए। दिस इज़ यार ब्रिक फैक्ट्री, ईटा बन रहा है, आप देख सकते हो कैसे बहुत सारे ईंटे लगे हुए हैं। इधर भी है, राइट एंड लेफ्ट बोथ द साइड्स, देखो आप। ये पुल है यहाँ आई थिंक, जो आते वक्त हमने नदी पार किया था उसी का ऑल्टरनेटिव ये रास्ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सामने वाली पहाड़ियों के नियर अबाउट हमें जाना है, और आप देख सकते हो कैसा
ऑफ रोड ये जर्नी है। गाइस कहीं हम घूम के वहीं आ गए यार। शिट, फिर से ये नदी हमें पार करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो दिस ऑफ रोड जर्नी, मज़ा आता है यार मेरे को तो। आप देख सकते हो पानी जो है आज ज़्यादा है दूसरे दिन के मुकाबले। अभी यहाँ से आगे राइट साइड में 1.9 किलोमीटर रास्ता है। वापस हम फिर से उसी रास्ते से एंटर किया, आई डोंट नो आगे से एंटर करना था, बट मैप ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते से हम यहीं पहुँचे वापस से। और 1.5 किलोमीटर है अब, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत ज़्यादा थकावट भी नहीं है, बट अगर थोड़ा देर हाफ एन आवर एटलीस्ट 15-20 मिनट भी अगर रेस्ट हो जाए तो शरीर रिलैक्स हो जाएगी, मसल्स जो स्ट्रेंड है वो रिलैक्स हो जाएगी, तो आगे की जो जर्नी है वो आरामदेह रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। और अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो बॉडी एग्जर्ट होगी, आगे की जर्नी जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ये देखो रिलायंस ट्रेंड्स तक है यहाँ झाझा में, रिलायंस छोटी छोटी जगहों तक पहुँच गई है के मार्केट अभी खुला नहीं है। भाई शायद हमें पीछे से लेफ्ट लेना था और मिस हो गया टर्न। टर्न जो है वो मिस हो गया है शायद, या शायद नहीं, नहीं यार वहाँ से लेफ्ट लेना है हमें। सो दिस इज़ द रोड, हम पहुँच गए हैं अपने रिलेटिव्स की गली में। यहाँ पे यार बाइक की आगे की स्क्रीन और विंडशील्ड क्लीन कर लेंगे, गंदी हो गई है। घर आगे राइट पे है। तो गाइस चलो अब यहाँ से रिलेटिव से मिल के फिर आपसे मिलते हैं रिटर्निंग में।